अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईटी इन्फो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें अगर हमारे पास हवावे का ONT चाइना मोबाइल फर्मवेयर के ऊपर है, तो हम ये देखेंगे कि इसका जो चाइना मोबाइल का फर्मवेयर है, ये कैसे हम इसमें से रिमूव करेंगे और इसके ओरिजिनल फर्मवेयर के ऊपर इसे कैसे लेके आएंगे और इसे इंग्लिश में हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए अभी मेरे पास हवावे का ONU है और ये आप देख सकते हैं कि ये चाइना मोबाइल में है। इसका इंटरफेस भी आपने अभी देखा है और इसकी फर्स्ट पोर्ट के साथ मैंने पैच कार्ड लगा के मेरे लैपटॉप के साथ इसे कनेक्ट किया हुआ है और नीचे आप इसका जो है मैक एड्रेस वगैरह भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी जो है इसका इंटरफेस ओपन करने के लिए मैंने सिस्टम को मैनुअल IP 192.168.1.5 का दिया हुआ है और इसका पेज अभी जो है 192.168.1.1 के ऊपर मेरे पास यहाँ पे ओपन हो रहा है। इसकी बैक साइड पे इसका यूज़र नेम पासवर्ड लिखा होता है, आप वहाँ पे से देख के इसे ओपन कर लेंगे। और जैसे ही ओपन करेंगे, मैंने गूगल की एक्सटेंशन यहाँ पर ऐड की हुई है जो कि लैंग्वेज इसकी चेंज कर देता है। इंग्लिश यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है ताकि आपको नज़र आता रहे मैं कौन कौन सी ऑप्शन पे जाके अभी सेटिंग कर रहा हूँ। और सबसे पहले हम सेफ्टी में आएंगे, उसके बाद हम फायरवॉल में आएंगे। यहाँ पे फायरवॉल में आने के बाद हम डिसेबल करेंगे और यहाँ पे अनचेक कर देंगे डोस का जो ऑप्शन आ रहा है। तो अभी जो है इसके सॉफ्टवेयर के अंदर जो सेटिंग है हमने कर ली है और अभी जो है हम इसमें फ्लैश करने के लिए, ये हवावे का पेड सॉफ्टवेयर है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे 1.5 जो मेरे सिस्टम में IP है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और इसे यहाँ पे स्पैन कर लेते हैं। ये पुट का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया आप देख सकते हैं कि ये हवावे का जो है यहाँ पे आ गया है और स्टेटस लोडिंग है और यूज़ टाइम कितने टाइम में ये इसका जो फ्लैश होता है ये हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। अभी जो ONU हमारा फ्लैश हो रहा है और ये सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ से नीचे से हम इसे क्लोज कर देते हैं, अभी फ़िलहाल इसे हम बंद कर देते हैं और राउटर को एक दफ़ा हम ऑफ करके ऑन करेंगे। और इसके ऑन होने का हम वेट करेंगे और जैसे ही ये ऑन हो जाएगा तो इसका इंटरफेस हम एक दफ़ा चेक करेंगे और उसके बाद पुटी के ऊपर कमांड्स होती हैं वो हम इसमें पुट करेंगे। उसके बाद हम इसे एक्सपोन करेंगे और फिर इसमें जो है हम इंग्लिश का सॉफ्टवेयर डालेंगे और ये इंग्लिश में हो जाएगा। तो अभी जैसे ही ये ऑन होता है तो इसका इंटरफेस अभी ओपन करेंगे और देखेंगे ये भी किस IP के ऊपर है। मैंने अपने सिस्टम में 2 IP जो है मैनुअल पुट किए हुए हैं, 192.168.1.5 और 192.168.8.100.5, ताकि जब इसका IP 100 पे चला जाए मुझे उसका भी पिंग यहीं पे शो हो जाए। 1.1 का अभी जो पिंग है मेरे पास आ गया है, मैं पेज इसका ओपन करके यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका जो पेज है ये मेरे पास ओपन हो गया है। अभी जो है हम पुटी ओपन करेंगे। पुटी ओपन करने के बाद यहाँ पे 192.168.1.1 और टेलनेट को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करेंगे रूट और एडमिन से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। SU सुपर यूज़र की यहाँ पे कमांड दी है और उसके बाद हम शेल टाइप करने के बाद एंटर करेंगे। रिस्टोर RESTORE रिस्टोर रिस्टोर HW मोड ये यहाँ पे कमांड है रिस्टोर HW मोड .SH और उसके बाद हम एंटर कर देंगे। ये सक्सेसफुली हो गई है, इसके बाद हम इसे एग्जिट और क्विट कर देंगे। इसके बाद जो है हम अपना जो ONU है इसे ऑफ करके एक दफ़ा ऑन करेंगे और पुटी को हम बंद कर देंगे। तो अभी जो है हमारा ONT 8546 मॉडल है इसका, जब ये ऑन होगा तो हम चेक करेंगे किस IP के ऊपर ये ऑन हुआ है। यहाँ
यहाँ पे थोड़ा सा वेट हमें करना पड़ेगा, ऑन होने में थोड़ा सा ये टाइम लेता है। और इसके बाद हम चेक करेंगे कि अभी ये 1.1 पे है या इसका जो आईपी है वो 100.1 हो चुका है। हम यहाँ पे एक और CMD ओपन कर लेते हैं, -T192.168.100.1 के ऊपर इसका पिंग आ चुका है और ONU हमारे पास ओपन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये 8546M और चाइनीज लैंग्वेज में है और ये अभी GPON में है। सबसे पहले तो हम कमांड को बंद करते हैं और यहाँ पे दोबारा सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद हम सबसे पहले इसे एक्सपोन करेंगे। 100.5 IP जो है ये हमने सेलेक्ट कर लिया है और अभी जो है हम यहाँ पे XGE जो फर्मवेयर है इसे सेलेक्ट करने के बाद इसमें हम पुट कर देते हैं। जैसे ही हमने इसमें पुट की कमांड यहाँ पे एंटर की, ये फ्लैशिंग मोड के ऊपर चला गया है और इसमें हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं स्टेटस जो है लोडिंग है और कितने टाइम में इसमें जो फर्मवेयर है ये अपलोड हो जाएगा उसका हमें स्टेटस यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे ही ये स्टेटस कंप्लीट होगा तो सक्सेसफुल यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा और उसके बाद जो हम इसे एक दफ़ा रिबूट करेंगे, सक्सेसफुल हो चुका है, इसे हम बंद कर देते हैं और ONU को ऑफ करके हमने ऑन कर दिया। ONU के ऑन होने का वेट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो अभी GPON यहाँ पे आ रहा था ये GEPON हो गया है या अभी नहीं हुआ। आप देख सकते हैं ये वही ONU है, उसी का ये यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका पिंग आने तक हम वेट करेंगे, जैसे ही इसका पिंग हमें मिल जाएगा तो हम इसे दोबारा से ओपन करके इसे ये एक्सपोन हो चुका होगा। उसके बाद जो है हम इसके अंदर इंग्लिश इसे करने के लिए लैंग्वेज को वो फर्मवेयर इसके अंदर हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो पिंग है वो 100.1 IP का हमारे पास आ गया है। आप देख सकते हैं CMD के अंदर पेज को एक दफ़ा हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। पेज रिफ्रेश हो गया है, लैंग्वेज अभी तक जो है हमारी चाइनीज ही है और ये आप देख सकते हैं GPON, EPON, XPON ये हो चुका है। और यहाँ पे आएंगे और फर्मवेयर अपडेट की ये ब्राउज करेंगे, लोकेशन जो है हमारी कहाँ पे हमारा इंग्लिश वाला ये फर्मवेयर पड़ा हुआ है, ये चाइनीज टू इंग्लिश हमने सेलेक्ट करने के बाद ये पुट की जो बटन है वहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है। तो अभी जो है फर्मवेयर चाइनीज टू इंग्लिश वाला इसके अंदर ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता है और इसको भी हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी पुट करवा सकते हैं और डायरेक्ट भी हम पुट कर सकते हैं, दोनों मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मर्जी हम इसे यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये अभी इसमें जैसे ही इंसर्ट हो जाएगा ये फर्मवेयर अपलोड हो जाएगा तो एक दफ़ा इसे हम रिबूट करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कि सेम ONU जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा होता है और ये दोबारा से GPON तो नहीं हो जाएगा, ये भी हमें साथ ही पता चल जाएगा और ये XPON पे ही रहेगा। तो इसके बाद हम इसे GPON की OLT के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और EPON की OLT के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी फर्दर सेटिंग करना चाहें, इसकी वैन की सेटिंग आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ये देखने को मिलेगा, वायरलेस की सेटिंग भी आप इजीली कर सकेंगे और कोई भी किसी भी किस्म की इसमें सेटिंग करनी हो तो आपको कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हो चुका है और रीबूट की बटन है, इसके ऊपर हम क्लिक करके इसे ओके कर देते हैं और तभी जो है ये ONU हमारा ऑफ होके ऑन होगा और जैसे ही हमें पिंग यहाँ पे मिलेगा तो हम इसे ओपन करके चेक करेंगे कि हमारा जो इसका ONT है जो हमारी हवा की ये इंग्लिश लैंग्वेज में हो गई है या नहीं हुई। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा ये इसे ऑन होने तक, हम इसका वेट करेंगे और इसके बाद हम चेक करेंगे कि इसकी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो गई है या नहीं हुई। इसके जो फर्मवेयर्स हैं ये आपको मिल जाएंगे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और हवावे का अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरे मेल आईडी जो है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, पेड है, इसके लिए आपको पे करना होगा और आपको जो फर्मवेयर है वो मिल जाएगा।
तो आप देख सकते हैं इसका जो पिंग है वो हमारे पास आ चुका है, और अभी इसका पेज हम रिफ्रेश करके यहाँ पे चेक करते हैं। आप देख सकते हैं जो लैंग्वेज अब इंग्लिश हो चुकी है और सेम मॉडल है और G1 E1 है। तो इसमें हमने देखा कि चाइना मोबाइल वाला अगर हमारे पास ONT है हवावे की, तो हम उसका फिंगर चाइना मोबाइल का कैसे रिमूव करेंगे और उसमें हवावे का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर कैसे हम पुट करेंगे और उसे इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे और G1 से एक्सपोर्ट उसे कैसे करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।